हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल मखनी। इसके लिए देखिए, मैंने उड़द की साबुत उड़द की दाल ली है और इसको चार पांच पानी बहुत अच्छे से वॉश किया है। इसे मैंने दो ढाई घंटे सोक करके भी रखा था। चार पांच पानी वॉश करने से क्या होता है ना, इसका कालापन जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अब इसको सबसे पहले बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी दो तेज़पत्ता और थोड़ा सा ये दालचीनी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक, नमक लगभग सवा चम्मच डाला है मैंने। और अब इसको मैं पानी डाल करके इसको मैं बॉईल कर लेना, बहुत अच्छे से पकाना है इसको। धीमे आंच पे पकाऊंगी कम से कम 25 से 30 मिनट, जब इसमें सीटी आ जाएगी तो उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से बहुत अच्छे से घुल जाए। तो अब इसको पका लेते हैं। तो देखिए, दाल बॉईल हो गई है और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये अच्छे से पक भी चुकी है। थोड़ी सी इसकी घुटाई करनी होगी, थोड़ी सी इसकी घुटाई कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी घुटाई हो गई है अच्छे से। अब इसका हम तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने ये लिए पांच टमाटर, मुझे इनको अच्छे से वॉश करके इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। तो पहले पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं इसका तड़का बताती हूँ। तो पेस्ट हो गया है तैयार। ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं लगभग इससे तीन नपना। सबसे पहले ऐड करूँगी इसके अंदर मैं लाल मिर्च। ऑयल में ही डालना है और ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडे ऑयल में। और अभी इसी के साथ ऐड कर दूँगी मैं फटाफट अदरक लहसुन का पेस्ट दो चम्मच लगभग। तो मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं 30 से 40 सेकंड तक, इसकी रोशनी जाने तक। तो लगभग 30 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें ऐड करती हूँ टमाटर का पेस्ट और इसको हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। नमक फिलहाल एक चम्मच डालती हूँ क्योंकि हमने बॉईल करने में भी नमक ऐड किया है, तो टेस्ट करके देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और ज़्यादा ऐड करेंगे। और अब जाएगा इसके अंदर गर्म मसाला, ये लगभग दो चम्मच है, और इसको भी साथ में अच्छे से भून लेते हैं तब तक कि टमाटर की जो कच्चीपन की स्मेल है वो चली ना जाए। तो देखिए, अच्छे से भून गया है, ऑयल सारा हो गया है सेपरेट और इसकी रॉ स्मेल भी जा चुकी है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं दाल जो मैंने घोल के तैयार की हुई है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको और इसको बॉईल आने देते हैं जब तक इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाता है। तो देखिए, इसे बॉईल अच्छा सा आ गया है, बहुत अच्छे से पकना हो गया है ये शुरू। दो तीन मिनट हो गए हैं तो ये हमारा डन है ऑलमोस्ट। तो अभी इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, क्योंकि हम इसे ढाबे स्टाइल बना रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही तैयार होगा। तो उसमें ऐड करती हूँ मैं सबसे पहले क्रीम जो इसकी जान है, फ्रेश क्रीम। और फ्लेम कर देती हूँ मैं इसका ऑफ, इसको कर देते हैं मिक्स। यम्मी डिलीशियस सा बनके हो गया है तैयार, और मैं दिखाती हूँ आपको इसको। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा गार्निश करती हूँ मैं कसूरी मेथी से पहले। तो कसूरी मेथी ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक। तो हमारी दाल ऑलमोस्ट डन है। तो ये हमारी दाल मखनी डन है, ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके तैयार है, हमारा ढाबा स्टाइल दाल मखनी। ऊपर से क्रीम से भी गार्निश कर सकते हैं ज़्यादा क्रीम यूज़ करना हो तो। अब ये रोटी के साथ, परौठे के साथ या बॉयल राइस के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बनाई है दाल मखनी, तो बिना मक्खन के तो मखनी होगा नहीं। तो अब इसमें ऐड कर देती हूँ लास्ट में मैं बटर, और अगर आप चाहें तो पूरा तड़का आप बटर में बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ ज़्यादा बटर यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने बस ऊपर से थोड़ा सा इसका टच दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनके है तैयार, रेसिपी हो गई है डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।